नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपीएन 24 और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। लुधियाना के गांव खटड़ा चोहरण में दो पक्षों में हुई मारपीट में आरोपी पक्ष ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। हाँ जी, की नाम है तुम्हारा? सतवान सिंह जी। सतवान सिंह जी, की होया? कुछ नहीं होया जी, बस यही अपने ट्राली आउंदी सीगी, ड्राइवर अपने मिट्टी ढोंदे सीगे जी। रात नूं 10 बजे दा टाइम सीगा जी, ते इन्हां ने ट्राली अपनी घेर ली, ते घेरी हुई उहदे ड्राइवर दे सट्ट फेट खासी मारी। उहने चलो सानूं फोन करके सद्दिया जी, जदों गए असीं 4 जणे सीगे जी, उह 20-25 जणे सी। उहनां ने हत्थों पाही बहुत ज़्यादा करी, असीं जाने कि मसां भज के बचे जी। तो उदों बाद फिर उन्हें CCTV कैमरिया तुम चैक कर सकते हो, साढ़े घर वाली हमला कर भी आए हैं। 15-20 बंदे जी जो कि तेजधार हथियार लैके साढ़े घर वाली आए हैं, जाने कोई साड़ी उन्होंने दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं है जी। ठीक है ना, उन्होंने कोई परचा ही ना साढ़े से, कोई केस कंप्लेट आ, कोई पुलिस की कोई भी यह जी गल जाति तौर पर कहते सू बोले ने जे असं कुछ नहीं उन्होंने बोले, बिल्कुल भी पुलिस भी कह रही है एक तरफा करा इदा ही। मारपीट के मामले में आरोपी पक्ष की ओर से पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। आरोपी पक्ष ने बताया कि मामला इतना ज्यादा नहीं था जैसा कि दूसरे पक्ष ने बना दिया है। आरोपी पक्ष के जगजीत सिंह ने कहा कि ना तो उनकी ओर से पहले कोई मारपीट की गई और ना ही उन्होंने दूसरे पक्ष को किसी तरह के जाति सूचक शब्द कहे हैं। इस अवसर पर आरोपी पक्ष ने अपनी सफाई में क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। गलबात कुछ नहीं, अपना ड्राइवर सीगा जी, वह अपनी ट्राली भरी हुई मिट्टी की लैके आ रहा सीगा जी। उन्होंने सानू दस्या जी, जो माड़ी मोटी ट्राली सी स्पीड से सी, वह बंदे ने रोकने की कोशिश करी जी, वो माड़ा मोटा ही टच हो गया जी वो। ठीक है जी, जो टच हो गया जी, वो ड्राइवर ने सानू जी आके बुलाया भी वीरे भी आ गलबात हो गई। असीं पहुँचे जी मौके पर, उत्थे मौके पर पहुँच के जी असीं उन्होंने पूछया जी की गलबात हो गई, बई तुसीं क्यों साडा ट्रैक्टर रोकया। वो कहिंदे भी आह बंदे दा साडे दा थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। असीं कहा भी कोई गल नहीं, जे थोड़ा नुकसान हो गया तुसीं साडे भरा हो, कोई गल नहीं, असीं जो थोड़ा बनता अपने जो इलाज का पैसा वह असी देवे। तो उन्होंने जी सानू पुछ नहीं पुछया जी, 25-30 जाने से कि उन्होंने साढ़े वार करता जी, वार करना जी। मैं अपनी जी भज के जान बचाई है जी, नाले जी अपने ड्राइवर दे मारी जी, नाले मेरे मारी जी। तो उदू बाद जी अपने इन्होंने जिहड़ा जी इट्टां रोड़े सारा कुछ चलाया जी, बिच माइयां भी आ गई जी इन्हां दीआं, ते असी जी इन्हां नूं कुछ नहीं कहा जी। मैं ही आउंदा मिट्टी ट्राली ले आउंदा सीगा जी, भरी ट्राली हुई सीगी, मैं जा नंगा जांदा जी, भज्जां दे ट्रैक्टर दे मूहरे आ गया, मैनूं रोकण लग गया ट्राली भरी, जिहड़ा हौली हौली रुकूगा ट्रैक्टर, उहदे नाल माड़ा ट्रैक्टर टच हो गया जी। अच्छा, टच होना पता नहीं, उन्हें माड़ा मोटा ही पता नहीं एक्सीडेंट केस हो, कोई माड़ी मोटी लत्त लुत्त सट लगी जी उन्होंने, मैं तो पता नहीं लगे। उस बाद मैं वीरे उन्होंने सद्दिया जी घरों भी ऐ तैं चक्कर पै गया, फिर इन्होंने आके पुछया जी, मुड़ के सानू झपट पै गई जी, मुड़ के सानू पै निकले जी। हाँ जी, करीब 10 तो भरी सी जी टाइम। हाँ जी, तरीक 28 सी जी। ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੂਹਰੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ, ਰੋੜੇ ਰਾੜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਖਟੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਧਾ ਮਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਗਏ। ਫਸਟ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਸਪਾਲ ਵਾਂਗਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਤਾ ਸੰਤੂ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਗੋਪੀ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ GPN ਕੇ ਲੀਏ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत, देश और दुनिया से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें GPN 24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़।